नमस्कार, एटको रूबरू में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में इस साल कई अप्रत्याशित घटनाएं घटी। पहले रूलिंग पार्टी के कई मिनिस्टर्स के खिलाफ चार्जशीट, लोकसभा चुनाव के बाद वाजपेयी सरकार का गठन और पतन, कई पार्टियों की साझा सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में देवेगौड़ा का चयन, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राव के खिलाफ एक साथ कई मामले अदालत में, और अब देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन, जिसकी बागडोर मिली एक ऐसे व्यक्ति को जो अध्यक्ष पद के दावेदारों में था ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष सीताराम केसरी की, जो पार्टी में कभी नंबर दो की हैसियत में नहीं रहे, लेकिन असंतुष्ट कांग्रेसियों की आपसी खींचतान ने उन्हें नंबर एक के ओहदे पर पहुंचा दिया है। तो आइए आज रूबरू होते हैं सीताराम केसरी से। एक साधारण कार्यकर्ता से कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे सीताराम केसरी का कांग्रेस के साथ चोली दामन का रिश्ता रहा है। मौजूदा दौर में वे कांग्रेस के उन कुछ गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, जबकि वे 1980 से कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और कई बार मंत्री भी रहे हैं। केसरी पर बिना जनाधार का नेता होने और तिकड़मबाजी करने के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन वे हमेशा पार्टी और पार्टी हाईकमान के वफादार बने रहे और यही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस की राजनीति में असरदार होते चले गए। पार्टी के कई तबकों के विरोध के बावजूद आरक्षण का समर्थन करने तथा सामाजिक न्याय की बात करने के कारण वे कांग्रेस में दलित, पिछड़े तबके और अल्पसंख्यकों के हितैषी के रूप में उभर कर सामने आए। पिछले दिनों हवाला कांड के उजागर होने और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय के बाद पार्टी में असंतुष्ट गतिविधियां तेज हुई तो कई मामलों में अदालती कार्रवाई और सीबीआई जांच का सामना कर रहे पीवी नरसिम्हा राव को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मुहिम चला रहे नेताओं के बीच रस्साकशी के कारण हालात ऐसे बने कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सीताराम केसरी नए अध्यक्ष चुन लिए गए। इस तरह कांग्रेस के सत्ता संघर्ष ने केसरी को सत्ता शिखर तक तो पहुंचा दिया, लेकिन गुटबाजी, भ्रष्टाचार और पराजय से ग्रस्त कांग्रेस की खोई प्रतिष्ठा लौटाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। केसरी जी, किसी जमाने में आप बिहार में सेवा दल में बैंड मास्टर हुआ करते थे, आज उसी कांग्रेस के, आज जब प्रेसिडेंट हो गए तो आपको कैसा महसूस हो रहा? देखिए, कांग्रेस के सर्वोत्तम पद पर आने में और एक कार्यकर्ता के रूप में एक सेवा दल का बैंड मास्टर 1940 में, आज 56 साल के बाद लगता है कि सेवा का पारितोषिक होता है। आपने कहते हैं कि आपको पारितोषिक मिला, तो ये तो बड़ी विचित्र परिस्थितियों में आपको पारितोषिक मिला। अगर नरसिम्हा राव न फंसते तो आप कांग्रेस अध्यक्ष कहाँ से बनते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, नरसिम्हा राव जी बहुत दिनों से इस बात को सोच रहे थे और फंसना नहीं, फंसने की बात नहीं है, वो त्याग पत्र नहीं भी दे सकते थे, मगर उन्होंने महसूस किया और उचित समझा, उनको लगा कि हमें त्याग पत्र देना चाहिए। केस के वजह से ही वो भी एक कारण बन सकता है, मगर वो उबे हुए बहुत दिनों से। लेकिन महीने भर पहले आपने सोचा था कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे और राव साहब कुर्सी छोड़ देंगे? एक महीना पूर्व या एक दिन पूर्व भी, या जिस समय घोषित होने वाला था उस समय में भी मैं नहीं सोच रहा था कि ये, मैं समझ रहा था कि हो सकता है और भी कोई व्यक्ति हो। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसलिए ये कहना कि एक महीना पहले क्या सोच सकते हैं, हम एक दिन पहले नहीं सोच सकते, सच्ची बात है। अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए तो तमाम लोग थे, राव साहब के खिलाफ मुहिम भी बहुत लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ घटा और आप अध्यक्ष बन गए, तो उनको यही तो कहा जाएगा कि विचित्र परिस्थितियों में आप बन गए? नहीं, मेरा ख्याल है कि वर्किंग कमेटी में एक मत बना, उन लोगों ने सोचा कि एक स्वाधीनता संग्राम का कार्यकर्ता रहे हैं केसरी, क्यों नहीं उन्हीं को एक बार हम लोग जाने कि गांधी जी ऐसी परिस्थिति में क्या आदेश देते थे। तो मैं आदेश तो उनका नहीं दे सकता हूँ, न संदेश उतना बड़ा है, मगर मैं कांग्रेस के हृदय को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ।
मतलब आपके अंदर उन्होंने महात्मा गांधी की छवि देखी। मैंने कहा कि उन्होंने देखा कि उस युग में जो आजादी की लड़ाई लड़ा है शायद कोई रोष नहीं दे सके। आप कहते हैं कि आपका एक मत से सिलेक्शन हुआ वर्किंग कमेटी में? नहीं। राजेश पायलट तो आखिर तक आपका विरोध करते रहे। एक मत से नहीं, कई और लोगों का भी विचार ये था कि ICC अध्यक्ष को इलेक्ट करें। राजेश राजनीति में मेरा ख्याल है कि भूमि स्थल से संबंध नहीं रहने के कारण, और मगर मेरा कोई गिला नहीं है, जब सभी लोग उनसे कह रहे थे कि आप विरोध बंद कर दीजिए, मैं नहीं, सब लोग, मैं तो चुपचाप था, पर फिर भी उन्होंने विरोध रखा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि नरसिम्हा राव ने आपका कैंडिडेचर सपोर्ट किया, डिसीडेंट्स भी बाय एंड लार्ज आपके नाम पे सहमत थे, और 10 जनपद का भी समर्थन था? ये हुनर जो आपका है कि सबको पटा के रखना, ये इसका कांग्रेस में आपको फायदा मिल रहा? ये हुनर नहीं है, सेवा का प्रतिदान है। राजनीति में जो हुनर करता है वो पछाड़ खाता है। हुनर आपका अच्छा शब्द नहीं है, यहाँ पर है हुनर, यहाँ पर यह है कि इतना चलांक, इतना ये हुनर, ये है आपका, ऐसी बात नहीं है। हम जो हैं सामने खुले हुए हैं, किसी से छिपाना नहीं, किसी से कोई करना नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, नरसिंह राव जी का हमेशा हम पर आशीर्वाद रहा, इसको बदल नहीं सकते। नरसिम्हा राव ने जो कांग्रेस आपके हवाले की है वो बेहद कमजोर कांग्रेस आपको दी है। जगह जगह राज्यों में जिसका सफाया हो रहा है, पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, न जाने कितने स्कैम्स हैं, न जाने कितने केसेस चल रहे हैं, और नौबत ये आ गई कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उसे फोर्जरी के केस में अदालत में हाजिर होना पड़ रहा, तो आपको नहीं लगता कि बड़ी दुखद परिस्थिति है पार्टी के लिए? एक बात आप जान चाहिए, भ्रष्टाचार व्यक्ति का होता है, कलेक्टिव नहीं कोई भ्रष्ट होता है, सब लोग भ्रष्ट नहीं है, जिसमें उसमें मनमोहन सिंह भी हैं, विजय भास्कर रेड्डी हैं, अंथनी साहब हैं, अवध, सभी लोग हैं उसमें, उस सरकार में रहे हैं, सबको कहना और अलग करके कहना ही गलत है। पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की हालत खराब हुई है उसके लिए दोषी तो नरसिम्हा राव को ही आप मानेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में तो कांग्रेस में इतनी कमजोरी आई? उसमें दोषी सभी लोग हैं, जो भी मंत्री रहे हों, और दन से कह देना कि एक व्यक्ति दोषी है, मैं उनमें नहीं हूं। और खास करके जब उन पर चारों तरफ से प्रहार हो रहा है और ऐसे समय में मैं उनको अकेले छोड़ दूं, ये ठीक नहीं है। आप बार बार कहते हैं अपने बयानों में कि हम नरसिम्हा राव की नीतियों पर चलेंगे, नरसिम्हा राव की नीतियों पर चलेंगे। नरसिम्हा राव की नीतियों ने तो कांग्रेस का काफी बेड़ा गर्क किया, तो अगर इसी तरह नीतियों पर आप चलते रहेंगे तो कांग्रेस का तो और आगे नुकसान हो जाएगा। नीति व्यक्ति का नहीं होता है, संगठन का, कांग्रेस का होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की नीति को जिसने निभाया चाहे जिस हालात में रखा वही नीति के बारे में बोल रहे हैं। मतलब आप कांग्रेस की नीतियों पर चलेंगे, नरसिम्हा राव की नीतियों पर नहीं? नरसिम्हा राव जी की नीति क्या है भाई? वही जो कि मैनिफेस्टो में लिखा है वही तो नीति है ना। जिस ढंग से वो संगठन चलाते थे, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनका काम करने का तरीका, तो उसी काम करने के तरीके में तो नहीं चलेगा ना, बदलेंगे उनके तरीके। ये ठीक है कि उनके जो कार्यकलाप थे और हमारे कार्यकलाप में अंतर जरूर है। हम एक वर्कर हैं, वो विद्वान आदमी, बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वर्कर में और जो बुद्धिजीवी ज्ञानी होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनके कार्यकलाप में अंतर होता है। मुझमें उतनी वो क्षमता नहीं है कि हम उतनी दूर तक जा सके। तो एक बैंड मास्टर जब इस जगह पर आ गया है तो दोनों में अंतर नहीं पड़ेगा, ये तो सोचने की बात है। वो इतना डेफ्थ में जाते थे कि उन्हें फैसला लेने में सालों लग जाते थे, वो दूसरी बात है। मगर एक बात बताते हैं, एक बैंड मास्टर को तो हर कदम पर सोचना नहीं पड़ता है, कदम उठाना पड़ता है, तो बैंड मास्टर कदम उठा रहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सीताराम केसरी से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।